आज दिनांक 10/2/2022 को पटवाबाद मैदान में पटवाबाद नौजवान क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट सीरीज का फाइनल मैच एडिलेड मदीना और एनएस वॉरियर्स के बीच खेला गया। स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑन न्यूज चैनल में। झारखंड सहित पूरे देश की खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ऑल फॉर ऑन न्यूज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज दिनांक 10/2/2022 को पटवाबाद मैदान में पटवाबाद नौजवान क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट सीरीज का फाइनल मैच खेला गया, जिसकी मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद शबाना परवीन के साथ समाज सेवी श्याम और पटवाबाद के पूर्व मुखिया परवेज अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर क्रिकेट सीरीज का उद्घाटन किया। इस क्रिकेट सीरीज में कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में एडिलेड मदीना और एनएस वॉरियर्स के बीच मुकाबला हुआ। सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक खेल का प्रदर्शन किया और खेल को बहुत ही रोमांचक बना दिया। अंत में एडिलेड मदीना की टीम ने 4 रनों से जीत हासिल की। ओहो गजब भैया, अभी भी है। वेल प्लेड। ओहो गजब गजब, अभी भी पैर में है। चलो चलो, देखो खाना ले लो। मैन ऑफ द सीरीज एडिलेड के चीकू दास को घोषित किया गया, जिसे पंचायत समिति सदस्य इकरामुल हक ने पुरस्कृत किया। वहीं मैन ऑफ द मैच नवाजिश को पूर्व मुखिया परवेज अंसारी ने पुरस्कृत किया। इसके अलावा समाज सेवी श्याम ने फाइनल मैच में चौका लगाने वाले हर खिलाड़ी को 50-50 रुपए नकद पुरस्कार के रूप में दिया। विजेता टीम को वार्ड पार्षद शबाना परवीन ने पुरस्कृत किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए खेल कूद में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि खेल जगत में उनका नाम ऊंचा उठता रहे। अंत में शबाना परवीन ने सीरीज के आयोजनकर्ताओं अख्तर अंसारी, फुरकान, मोनू और फैयाज का धन्यवाद किया। आप देख रहे हैं ऑल फॉर ऑल न्यूज चैनल। झारखंड सहित पूरे देश की खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।